नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना किसान यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना किसान भरत जाट। तो किसान भाइयों, हम गांव मौड़िया मध्य प्रदेश नीमच जिले के मध्य प्रदेश में आए हैं, मौड़िया गांव में। तो वहां पर घनश्याम जी पाटीदार जी के यहां फार्म हाउस पे आए हैं। उन्होंने जीरो बजट फार्मिंग की शुरुआत पिछले 4 सालों से की है। और किसान भाइयों, जो पोली हाउस है इसके बाद इन्होंने L49 अमरूद लगा रखे हैं। और किसान भाइयों, मूंगफली की खेती भी ये बेड पद्धति से करते हैं और मक्के की फसल भी बेड पद्धति से लेते हैं। और काफी शानदार इनका फार्म हाउस है। किसान भाइयों, जीरो बजट फार्मिंग में खेती करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे पाटीदार जी से कि मूंगफली का ज़्यादा उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं, और किसान भाइयों किस तरह हमें मूंगफली की बुआई करनी चाहिए, और हमें 1 बीघे से कितना उत्पादन होता है, और किसान भाइयों मूंगफली उत्पादन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाटीदार जी, जो मूंगफली की जो फसल है अमरूद में आपने लगा रखी है, साथ में आपने मक्का की जो फसल है वह लाइन से लाइन की दूरी पर आपने लगा रखी है, तो इसका क्या कारण है? ये मित्र कीट है, मक्का पे आते हैं तो दुश्मन कीट को खाते हैं जी। और मूंगफली के साथ मॉडल में साथ में बोलते हैं कि भाई ये मक्का साथ में लगाना नहीं वाले जी। तो मेरे ये जो मूंगफली है जी, ये बेड नाली पद्धति है जी। हाँ, बेड, जैसे कि बेड नाली पद्धति से आपने जो मूंगफली की लगा रखी है। और ये हमने जो सीडिल से बुआई वाली मूंगफली हमारे खेत में, ये 2 तरीके से हमने लगा रखी है जी जी। तो इसका पौधा की हाइट छोटी है जी, ये सामने ही दिख रहा है, हाइट काफी छोटी है। हाँ, ये और छोटी है जी। इसकी चाल में फर्क है, ये भी नेचुरल है, जीरो बजट में ही है, ये भी जी जीरो बजट में जी। जी, लगाने के तरीके में थोड़ा चेंजेज है कि ये अपने सीडिल से बुआई वाली है जी, और वो बेड नाली पद्धति वाली है जी। तो काफी, जैसे कि ये सीडिल वाली है थोड़ी पीली भी पड़ रही है। हाँ। और जिसकी जो लंबाई है वो भी इतनी लंबाई ऊंचाई नहीं बैठी, पौधा छोटा है इसमें। हाँ, ये जो मेरा इसमें बेड नाली पद्धति वाली है जी, इसमें ये फायदा है कि कम पानी गिरेगा तो भी अच्छा उत्पादन आएगा इसमें, तो भी बढ़िया उत्पादन दे देगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई ये जो अपनी बेड पे है नाली के ऊपर, ठीक है जी, तो ये अपने को फायदा रहेगा भाई कि अपने को इसमें ये ऊपर रहेगा, पानी ज्यादा गिरेगा नाली में बह के चला जाएगा, कम पानी गिरेगा तो उसके बेड के अंदर नमी बनी रहेगी, पौधा चलता रहेगा, ज्यादा दिन तक नमी बनी रहेगी, ज्यादा दिन तक नमी बनी रहेगी जी। उखाड़ने के टाइम में इतनी आसानी से उखड़ती है कि इसमें टूटती नहीं है जी, उखाड़ने में दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल नहीं है। ये हमने सब हाथ से बिजाई करवाई है जी, इसमें कोई सीडल से बुआई नहीं है हमारी। तो जो हाथ से आपने ये मूंगफली की बिजाई करवाई, तो कितना बीज ये प्रति बीघे के हिसाब से लगता है? ये हाथ से बिजाई करने में मेरा 20 किलो बीघे के करीब ही लगता है बीज जी। और सीडल बुआई में करीब 30 किलो डालते लोग जी, 30 किलो तक डालना पड़ता है वो, तो ज्यादा लगता है। 10 किलो का बीज का पैसे भी ज्यादा लगते हैं। हमारा ये मानना है कि 10 किलो जितना बचता बीज उतने में लेबर काम कर लेती है, लेबर काम कर लेगी तो हाथ से बीज लग जाएगा। जो बेड की दो तरह से बचत हो रही है, अपन बीज भी बच रहा है, मतलब बीज की का जो बच रहा उसी पैसे में अपने को सब काम हो रहा, अपना चौपाई हो जाएगी जी, रोजगार भी मिलेगा, गांव में काम भी मिलेगा, दूसरों को फायदा भी होगा, अपने को फसल भी ज्यादा उत्पादन आएगा, अपने को फायदा उससे। तो कितना उत्पादन में फर्क पड़ता है बेड पद्धति से और शेड्यूल से? ये आपके सामने हमने दोनों क्रॉप बता दिया आपको जी, भाई ये बेड नाली पद्धति की और ये शेड्यूल वाली जी, ये बेड नाली वाली है वो आपको शेड्यूल वाली है जी, तो उसमें इसमें बहुत फर्क है आपके सामने जी। काफी, जैसे कि काफी फर्क दिख रहा है, ये काफी छोटी फसल है और यहाँ पे देखते हैं ये बेड वाली काफी शानदार फसल है, बिल्कुल बहुत ही शानदार मूंगफली खड़ी है। तो कितना उत्पादन में फर्क रहता है दोनों पद्धति से लगभग? पिछले साल तो बेड नाली लगाई थी जी, हमने फर्स्ट साल पिछले साल लगाई थी बेड नाली से, और फर्स्ट इस साल सेकंड साल में हमने क्या किया था, दोनों प्रैक्टिकल के लिए हमने दोनों तरीका लगाया जी, सिर्फ आधे एक बीघे में हमने सीडिल से बुआई की और बाकी करीब 3 बीघे 3.5 बीघे करीब हमने मूंगफली इससे बुआई की, हाथ से लगाई जी। तो उत्पादन में कितना फर्क रहता है?
ये देखो अभी निकालने में पता चल जाएगा दोनों में कितना फर्क रहेगा। जैसे हमने पिछले साल बेटी नाली पद्धति से करीब हमने 30 किलो दाने लगवाए तो 33 बोरी हमारी मूंगफली हुई थी। 3.5 बीघे से नहीं, उसमें करीब 1.5 बीघे से कम था हमारा रकबा जी। तो 30 किलो पुली वहाँ से बिजाई करवाई थी हमने जी, इसमें थोड़ा बहुत दाने बच भी गए थे तो हमने उसमें 33 बोरी निकाली थी जी। और इसमें भी किसी प्रकार का यूरिया और पेस्ट कुछ भी नहीं है, ये अपना पूरा इसी पद्धति से। और इसमें बीच बीच में हम मक्का लगाते हैं मिट्टी के दाने के लिए। तो ये दो फायदा है कि अमृत के लिए भी ऐसा फसल मॉडल हो गया अपना जी, और मक्का भी हो गया। ये बीच में अपने कहीं कहीं उड़द के पौधे भी हमने छोड़ दिए गए, इसमें भी थोड़ा बहुत अपने मॉडल के साथ देखेंगे जिसमें थोड़ा बहुत फायदा होता हो तो भी थोड़े बहुत पौधे रखें नहीं रखें, ये प्रैक्टिकल के लिए हमने छोड़ रखे कहीं कहीं जी।